अल्फोंसा। मुद्दा क्या रहा इस बार चुनाव का? विकास, हिंदुत्व, तो अलग अलग मुद्दे हैं, किस मुद्दे पर वोट दे के आए हैं? जो काम कर काम देखा उसी को दिए। अच्छा ठीक है, आप कुछ नहीं बोलेंगे? नहीं, मेरा फर्स्ट टाइम वोट था। फर्स्ट टाइम है तो यंगस्टर के लिए तो अलग होता है उमंग। आया नगर का जिस तरीके से हाल है तो उस हिसाब से तो विकास ही सबसे ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पर रोड बननी चाहिए जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे पानी वगैरह, सप्लाई, लाइटिंग, सब कुछ इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। तो काफ़ी पिछड़ा हुआ जगह है ये बाकी जगहों से दिल्ली के। इसमें मुद्दा क्या रहा, किस मुद्दे पर वोट दे के आए? कूड़े पे। कूड़े पर और भी कुछ मुद्दा था? सबसे बड़ा मुद्दा कूड़ा है यहाँ पर फैला हुआ है जो चारों तरफ, इसी की सफाई करनी है। किस मुद्दे पर वोट दे के आए? नहीं, मुद्दा कौन सा मुद्दा? विकास है, बेरोजगारी है, महंगाई है, अलग अलग मुद्दा है, किस मुद्दे पर देके आए? विकास है, विकास है, विकास। ठीक, मुद्दा क्या रहा वोटिंग का? इसमें वोटिंग का डेवलपमेंट सर, पिछले 15-20 साल से जो कुछ भी काम विकास नहीं हुआ था, इस बार बहुत विकास देखने को मिला और वेदपाल जी का समर्थन किया है, वोट डाल के काम के लिए वोट दिया है। थैंक यू, जय हिंद। क्या मुद्दा रहा इस बार वोटिंग का? सर ये पिछला इलाका है, यहाँ के पार्टी हम उसको वोट दिए हैं जो इस इलाके का विकास करे, डेवलपमेंट करे। नया चलने को रोड है ना, कोई शादी विवाह के लिए बारात घर ना कोई सुविधा, सारे सुविधा से ये पिछड़ा इलाका है, इसी को ध्यान में रखते हुए हमने वोट दिया है। डेवलपमेंट पर? डेवलपमेंट। आपने किस मुद्दे पर? उसी को दिए। नाम क्या है? मेरा नाम अशोक है। मुद्दा वही है, फूल है, फूल, फूल। मुद्दा क्या रहा? सुदेश मिश्रा। मुद्दा आया नगर को चमकाना है। नाम क्या हुआ, किस मुद्दे पर वोट किए? राजवी नाम। विकास के नाम? विकास के नाम। अच्छा, आपने? हमने भी दिया विकास के नाम पर। विकास के नाम? यहाँ विकास नहीं हो रहा था क्या? विकास क्यों नहीं हो रहा? विकास हो रहा, हमारी गली तो इतनी गंदी पड़ी है। अच्छा, गंदगी पर मतलब गड्ढे कोई सही करने के लिए नाम ही नहीं ले रहा है। नाम क्या हुआ, मुद्दा क्या रहा? मेरा नाम शंभू पासवान है। मुद्दा देखिए, अभी रुक जाइए, मुद्दा जो है जी दो शब्द में बोल रहा हूँ। आदमी को डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर नहीं, डेवलपमेंट के आधार पर वोट देना चाहिए, है ना। राजनीतिक दो बेस पे होता है, एक कम्युनिटी बेस और एक आपका जो है एक कम्युनिटी बेस और दूसरा वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन, है ना। वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन उस मुद्दे पे काम करती है जो कि आपका डेवलपमेंट के आधार पर काम करती है। कम्युनिटी बेस ऑर्गेनाइजेशन आपका डेवलपमेंट के आधार पे काम नहीं करती है ना। एक एक डॉक्टर होता है, मैं जहाँ काम करता हूँ, है ना, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वो जो है ना मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र, ठीक है, वहाँ पे आपको जो है 98% जो है ना वोटर 98% डॉक्टर हिंदू डॉक्टर होते हैं और सेम रेशियो पेशेंट जो है ना मुस्लिम पेशेंट है, ठीक है। तो जो डॉक्टर काम करते हैं ना वो वॉलंटियर बेस पे, उस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है ना, और पेशेंट भी ठीक ठाक जाते हैं, है ना, उसमें कोई हिंदू कोई मुसलमान नहीं। इसीलिए हम ये कहेंगे कि लोग जो है मतलब काम के आधार पे, काम के आधार पे वोटिंग करें, ना कि कम्युनिटी डिस्क्रिमिनेशन के आधार। आप टाइम कराए वोट वैसे तो। अच्छा, आपका नाम क्या है? पूनम। पूनम, तो मुद्दा क्या रहा इस बार, किस मुद्दे पर वोट किए? सुनील कुमार नाम है मेरा। इस बार जो है मुद्दा है हमारा सड़क, नालियाँ और बिजली का और जो भी है डेवलपमेंट, यही मुद्दा है हमारा डेवलपमेंट। आप मैम थोड़ा बोल दीजिए, क्या मुद्दा आपका रहा? मुद्दा तो सेम ही है, वही सफाई का ही, नाली कचरा यही वाला मुद्दा है, और सड़क बनाने का। क्या नाम? कल्पना। सुरेंद्र सिंह। मुद्दा हमारा रास्ते का है मेन, और पानी का है, हमारे कॉलोनी में पानी का बहुत समस्या है। अखिलेश सिंह, विकास पर। किस मुद्दे पर वोट किए हैं? क्या नाम हुआ? मेरा नाम ललित ठाकुर। मुद्दा क्या रहा वोटिंग का इस बार? वोटिंग का ये मुद्दा रहा, जो हमारे गली में नाली बहता रहता है उसको कोई नहीं देखने वाला है। यहाँ का जो पार्षद है वो कांग्रेस का पार्षद है, कूड़ा बिखरा रहता है वहाँ कोई देखने वाला नहीं है। ये इसमें जो एक महीना पहले कूड़ा का ढेर था,
तो इसी मुद्दे पे जो इसको हमें हटाना है, इसीलिए हमने वोट दिया है। मेरा नाम कपिल है और मैंने बीजेपी को वोट दिया है। यहाँ पे जो पहले 10 साल से आम आदमी पार्टी के रह चुके हैं, 5 साल से कांग्रेस के भी रह चुके हैं, हमारे गांव में कुछ भी नहीं हुआ है, तो इसलिए कुछ चेंज चाहते हैं, बीजेपी को सपोर्ट करते हैं।